छोटे से ध्रुव जी धीरे 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 चलने लगे तप करते हुए, और तभी मार्ग में नारद जी का मिलना। नारद जी कहते हैं, छोटे से ध्रुव जी वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी देखते हैं, तुम कौन, हु आर यू? अरे मैं नारद हूं, मैं तप करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, 5 वर्ष का बच्चा तप करने जाएगा? जंगल में बड़े बड़े बब्बर शेर रहते हैं, ब्रेकफास्ट में तुम निपटा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तप करना बच्चों का काम नहीं है, वापस घर चले जाओ। ध्रुव जी कहते हैं, नारद जी तुम नकली नारद जी हो, मेरी मैया कहती है जिसको भी भगवान मिले हैं सबसे पहले नारद मिले हैं, और तुम मुझे भगवान के मार्ग से विमुख कर रहे हो। तब नारद जी ने कंठी दी, अपना शिष्य बनाया और मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बताया, हे पुत्र, हे शिष्य, भगवान को पाने के लिए मंत्र भी जरूरी है, स्थान भी जरूरी है, तुम जाओ वृंदावन में जाकर तप करो। तो ध्रुव जी कानपुर से, कन्नौज से चले हैं और वृंदावन आए हैं। वृंदावन में, मधुबन में यमुना पुलिन पर ध्रुव टीले के ऊपर खड़े होकर तप कर रहे हैं। ऐसा तप ना भूतो ना भविष्यति। 3-3 रात बाद बेर खा रहे हैं और कह रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला मास बीता, भगवान नहीं मिले। दूसरे मास में तो 6-6 दिन बाद पत्ते खाने शुरू कर दिए, भगवान नहीं मिले। ध्रुव जी सोचते हैं कि मैं भोजन करने में अधिक समय लगा रहा हूँ, भजन में कम, अब तो पत्ते भी खाने छोड़ दिए। तीसरे मास में 9-9 दिन बाद एक बार जल पीते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिले, और अंदर क्या चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथे महीने में तो जल भी छोड़ दिया, 12-12 दिन बाद एक बार सांस लेते हैं, लेकिन भगवान नहीं आ रहे। और जैसे ही 5वां मास लगा, सोचते हैं कि सांस लेने में भी मैं अपना अधिक समय व्यर्थ कर रहा हूं, अब एक बार अपने प्राणवायु को समेटते हैं, एक पैर को उठाते हैं, हाथों को उठा करके एक पैर से तप करते हैं और कहते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तप के प्रभाव से भगवान नारायण ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और भक्त भगवान की झांकी निकाल रहा है, भगवान भक्त की झांकी निहार रहे हैं। पता नहीं संसार में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया को कब श्वास मिलती है, जब भगवान श्वास लेते हैं।